देश के करोड़ों प्रवासी वोटरों को चुनाव आयोग जल्द ही बड़ी सौगात दे सकता है, जो भविष्य में वोटिंग के सिस्टम को और ज्यादा आसान बना देगा। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग नई वोटिंग मशीन का डेमो देने जा रहा है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने बुलाया है। नई ईवीएम की सबसे खास बात यह है कि ये प्रवासियों को मतदान केंद्र पर पहुंचने में बिना वोट डालने में सक्षम बनाएगी और प्रवासी मजदूरों भी वोटिंग राइट यूज करें। इसके लिए चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। चुनाव आयोग की इस कोशिश को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की मीटिंग से पहले 16 विपक्षी पार्टियों ने आरवीएम को खारिज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस समेत ये भी 16 पार्टियां आज चुनाव की मीटिंग में जा रही है और जरूरी जाएंगी, लेकिन उनके कई सवाल हैं जिनको लेकर आरवीएम के मुद्दे पर विवाद गर्मा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।